संसार के अंदर पैसे की महिमा ज्यादा आ गई है। तुलसी हुए तो उन्होंने रामचंद्रमानस लिखी, कबीर ने अपनी गाथा लिखी, सूरदास ने अपनी गाथा लिखी, प्रभु का चित्रण किया। लेकिन आज मैंने भी हजार भजन लिख रखे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने तो श्री रामचंद्रमानस को भोले बाबा से मुद्रांक करवाया था, इसलिए वो सिद्ध भजन हो जाता है। उसके अलावा मैं या अन्य जितने भी भजन प्रवाहक हैं, वो आज आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके मनोरंजन के हिसाब से भजन बना रहे हैं। लेकिन आप उनको ही वास्तविक मान रहे हो, वास्तविकता वो तो है ही नहीं, वास्तविकता है प्रभु का नाम। तो हमें भजन क्यों करना चाहिए, उसका एक छोटा सा सिंपल सा एक लाइन के अंदर आपको पता चल जाएगा भजन क्यों करना चाहिए। लेकिन भजन करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि भजन है क्या। अगर मैं भजन का संधि विच्छेद कर दूं तो भा जमा में अज जमा में अन, भा मीन्स भगवान, अज मीन्स स्वयं, और अन मीन्स करना। इसका सीधा साधा मतलब सिर्फ ये है कि अपने स्वयं के भीतर छुपे हुए प्रभु को प्रकट करना, स्वयं के भीतर अपनी आत्मा के अंदर बसे भगवान का स्मरण करना, अपनी आत्मा के अंदर बसे भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। लेकिन होड़ बन गई है साहब, लेकिन जो भी है मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता, ना मैं जाऊंगा। लेकिन जो सत्य है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भजन का मतलब यह है कि अपने अंदर छुपे हुए भगवान को मनाना, उसके नाम का स्मरण करना, भगवान के सबसे पावन नाम का स्मरण करना भजन है, भगवान की महिमा का गुणगान करना भजन है। अगर कीर्तन की बात करें, किर जमा श्याम सुमिरन ध्यान साधना न्यास है, मैं एक बार सभी जितने पदाधिकारी हैं जिन्होंने इतने सुमंगल कार्य को करने का तक वो बीड़ा उठाया, उन सभी को धन्यवाद करते हुए और मंगल कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आइए, जो हम प्रभात फेरी के अंदर करते हैं सबसे पहले वही गाएंगे और प्रभु को मनाने की कोशिश करेंगे और अपने मन को कहेंगे, क्या कहेंगे, श्याम श्याम बोल मनवा, श्याम श्याम बोल, 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 श्याम श्याम आवाज ज्यादा है क्योंकि यहाँ जागरण नहीं है, आपका एक एक शाम यहाँ गिना जा रहा है। यहाँ भाई साहब लिख रहे हैं कि इस पांडाल के अंदर 450 लोग बैठे हैं, अगर 450 लोग एक बार शाम बोलते हैं तो 450 ले लेकर जाना है, सबने क्या मिला लेकर जाना है। आइए आनंद के साथ, श्याम श्याम बोल मनवा, श्याम श्याम बोल, 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 श्याम श्याम बोल मनवा, श्याम श्याम बोल,
I'm gonna go.
देखना, कोई ऐसा भक्त तो नहीं है जिसके ऊपर माया का प्रभाव आ गया हो और वो ना बोल रहा हो। इसलिए मिलकर कह देना कि रे मन, मेरा मन तो बोले ही बोले, आपका भी मन बोले, और मुस्कुराहट सीधे हाथ उठाकर मिलकर कहना, श्याम श्याम बोल मनवा, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल मनवा, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल मनवा, श्याम श्याम बोल, जो आपने किया कि हम अपने हाथों से खाना खा लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, सारे काम करते हैं, शरीर को जहां ले जाते हैं शरीर वहां चला जाता है, लेकिन शरीर दो चीजों से चलता है, एक बुद्धि से और एक मन से। इतना याद रख लेना, बुद्धि ने हमेशा आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित किया होगा कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, और मन ने हमेशा आपको अधिकतर अधिकतर 99% आपको कुछ ना कुछ गलत करने के लिए सबसे पहले प्रेरित किया होगा। थोड़ी देर और सो लेते हैं, नहीं भजन करते हैं, आज नहीं नहाते हैं, है ना, अरे कौन पैर छुएगा, आज मंदिर नहीं जाते हैं, आज व्रत नहीं करते, अगली बार कर लेंगे, नहीं पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे आप कभी भी देख लीजिएगा, मन ने कभी आपको ये नहीं कहा होगा आगे आके कि चलो ये काम करते हैं। तो आइए इस मन का मैनेजर बन जाइए, आप बस मन को ये कहिए शाम शाम बोल मनवा। अब क्यों बोले आपको, चौरासी लाख योनियां सभी ने सुनी होंगी, सब जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि 84 लाख एक योनि होती है, 84 लाख और एक, 84 लाख योनिया अगर मैं विभाजित करूं तो अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर, लेकिन इसके अंदर इंसान कहीं नहीं आता 84 लाख योनियों के अंदर। और ये जो 84 लाख योनिया हैं, इनके पास भगवान ने वो शक्ति दी ही नहीं कि वो भगवान का नाम जप सके, वो आराधना कर सके, अर्चन कर सके, पूजन कर सके, सिर्फ एकमात्र इंसान को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, ये शक्ति प्राप्त हुई है कि वो भगवान का नाम ले सके। तो आज अगर आपको ये पता चल गया है कि हम 84 लाख योनियों में नहीं आते, हम विशेष उस एक योनि के अंदर हैं जिसको ये भगवान का नाम जाप करने की शक्ति मिली है, तो अपने आप को तो हमने उस मार्ग पर ले जाना ही ले जाना है, लेकिन साथ में हमें 84 लाख योनियों के लिए भी उपाय करना है। उपाय कौन सा, क्योंकि जो नाम नहीं जप पा रहे हैं उनके लिए नाम जपना, ये गाय, ये पशु पक्षी, ये कीट पतंगे, ये पेड़ पौधे, ये जल के प्राणी, ये सब 84 लाख योनियों के अंदर आते हैं। तो आइए एक बार पुनः हम चलेंगे उसी ओर जहां पर भगवान ने हमें इशारा किया, और वो इशारा क्या किया है, चार से बनाओ, जा करना सुनत शुभ होई, मोर हृदय आवा प्रभु सो। जिसके नाम सुनने से सब कुछ शुभ हो जाता है, मेरे हृदय के अंदर वो आए, जाकर नाम सुनत शुभ हो, मोर दया प्रभु सो। जिसका नाम ले
से सब कुछ शुभ हो जाता हो, मेरे घर के अंदर भी वो आए। अब हम सोचे कि हमारा जो घर है वो मिट्टी वाला है, ये ईंट पत्थर वाला है, हमारा घर यही है। तो आइए एक बार सीधे बैठे ज्ञान मुद्रा के अंदर, ऐसे अपने अंगूठे को इस उंगली से भिड़ा के और मिलकर बोलेगा, श्याम 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 श्याम। हर सांस के साथ भगवान का नाम जाना चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं, लेकिन फिर क्या करें। तो हमारे ऋषि मुनियों ने 108 मंत्र का जाप बताया और अब 108 मंत्र भी लोग नहीं जप पाते हैं, तो आज हम आपको एक नया मंत्र बता रहे हैं कि सिर्फ 18 बार बोल लीजिए। आप प्रभु के सामने जाएं, आप कुछ बोले या ना बोले, अगर प्रभु के नाम का आप सुमिरन कर लें 18 बार, आप जाप कर लें, तो आपका कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो आइए एक बार पुनः सभी मिलकर बिना कोरस के सभी मिलकर कहना, श्याम 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 समझ पा रहे हैं। मैं एक बोलता हूं तो आपने क्या बोलना है, शाम 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 दो, लेकिन आवाज यहां तक आनी चाहिए। जब आप ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो मन अपने आप समझने लगेगा कि मुझे क्या करना है। और आज हमारी संस्था का उद्देश्य है सुमिरन, वो यही है जो पुरखों ने कहा, पूर्वजों ने कहा, जो ग्रंथों ने कहा कि उसी को हम आगे चलाएं। तो आइए भगवान का पवित्र नाम में एक और मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर कलयुग में आप नहीं होंगे तो फिर कैसे पार बढ़ेगा, बात बनेगी कैसे। तो प्रभु ने कहा कि जब मैं था तो मैं दो चार लोगों को ही तार पाया, जब मैं था तो मैंने खुद अहिल्या को जाकर तारा, लेकिन कलयुग के अंदर मेरा नाम ही दुनिया को तार देगा। तो अगर भगवान ने ऐसा कहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि प्रभु का नाम हम कितना जपते हैं। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, दावे के साथ, कि आज तक आपने जितनी अर्चन पूजन करी है पिछले जन्म की भी, और आज जो आप आज यहां करके जाओगे वो जीवन का सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी आपकी भक्ति और पूजा और अर्चन होगी। भक्ति है, पूजा अर्चन, तीनों के तीनों आज के बराबर अपने पिछले जन्म के पुण्य भी लगा देना, आज आप उतना नाम जप कर जाओगे, उतना आप पुण्य कमा कर जाओगे, उतनी आप भक्ति करके जाओगे। तभी तो हमारे पुरखों पूर्वजों ने क्या चलाया, राम राम चलाई, श्याम श्याम चलाई, कि हर किसी को बोले ताकि नाम ले सके। लेकिन धीरे धीरे व्यवसायीकरण के अंदर प्रभु के नाम का कीर्तन छूटता गया। ध्रुव ने क्या गाया, प्रहलाद ने क्या गाया, उन्होंने कोई कीर्तन नहीं गाया। तो आइए आनंद के साथ फिर एक बार फिर चलते हैं। ये 18 याद रखना, जब भी 18 की बात आए तो सब कुछ छोड़ देना, अपने चित्त को बोल देना कि भैया ये तो करना ही करना है, क्योंकि तुझे पसंद भी यही आना है। बोले सच्चे दरबार की,
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। ये प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर वाल्मीक ने रत्ना करने उल्टा भी जपा, उल्टा भी जपा, तो भी वो ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। तो फिर हम कहां भटक रहे थे, हम कहां जा रहे हैं कि हम प्रभु का नाम ही नहीं सुमर रहे हैं, है ना। सुबह गए एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, दो मिनट की पूजा अर्चना करी, दिया जोड़ा और काम बन गया, नहीं। आइए बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, सीधे हाथ उठाकर एक बार आनंद के साथ, अरे श्याम 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 समझ में आ रहा है। यहाँ कोई विशेष कीर्तन नहीं होने वाला आज। एक बार पुनः श्याम 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 श्याम
सबको पता है कि सबसे उत्तम जो भोजन है, अगर मैं अन्न की बात करूं तो वो श्री अन्न है। सबको पता है बाजरा, रागी है ना, ये क्या है, सबसे उत्तम अन्न है। इनसे ना मोटापा बढ़ेगा ना कोई बीमारियां पैदा होंगी। लेकिन हम ये जानते हुए भी गेहूं खा रहे हैं, चाहे समस्या लगा लीजिए, अपनी मजबूरी लगा लीजिए, लेकिन गेहूं होने के बाद भी हम पिज्जा खा रहे हैं। वो हमारा स्वाद लगा लीजिए, पेट सभी भर रहे हैं। उसके बाद भी हम बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने पर रोक नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण बताना चाहता हूं। और उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है कि असल में जिस प्रकार श्री अन्न सबसे उपयुक्त है हमारे शरीर के लिए, उसी प्रकार भक्ति के अंदर, पूजा के अंदर सबसे उत्तम प्रभु का नाम है। नहीं तो डांस की धुन बज रही है, नागिन की धुन बज रही है, नाचने का गा दो, ऐसा गा दो, वैसा गा दो, शायद दिया तले अंधेरा कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चूक भी है ना। तो कोई तो आएगा ना। मीरा ने क्या गाया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो मीरा ने और कुछ क्यों नहीं गाया, क्योंकि उसको पता चल गया था। जब पता चल गया था तो फिर प्रभु भी उसको मिले। और जब मीरा ने उस नाम का सहारा लिया, तो हम श्याम प्रेमी हैं, हम प्रभु श्याम का सहारा लेंगे। आइए मिलकर श्याम 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 वो उनको श्राप मिला तो इसलिए वो धरती पर आई, भगवान कृष्ण से पहले आई, ये भी सबको पता है। लेकिन वृषभान जी को कोई संतान ही पैदा नहीं हो रही थी, क्योंकि सामान्य संतान ऐसे तो पैदा असामान्य संतान ऐसे तो पैदा होती नहीं। तो जब ऋषि मुनियों ने वृषभान जी को बताया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि हरिनाम बिना वत्स वत्स वर्ण शुद्धिर न जायते, कि आपके वर्ण को शुद्ध करना है। और क्योंकि आप हरिनाम नहीं जपते हैं, हरिनाम नहीं भजते हैं, तो आपको हरिनाम भजना पड़ेगा, आपको बड़े सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अगर राधा जी का जन्म प्रभु के नाम सुमिरन से मिलता है, तो फिर हम इस बात को क्यों नहीं समझे आज तक कि हम जो कर रहे हैं, आप किसी भी भजन को उठा लीजिएगा, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगना पड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ मांगना आ ही जाता है, लेकिन हमने इस मांग को बंद करना है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, सभी के पास गाड़ियां होंगी, आजकल चौराहे पे कहीं भी गाड़ी खड़ी हो जाए तो होता क्या है, कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता है, या तो आप देते हैं या आप नहीं देते हैं। अगर आपने दे दिया तो फिर आप देंगे और ऐसे करेंगे, चल गए, काम खत्म हुआ, आप याद नहीं रखेंगे, और ना जाने आज तक आपने कितनों को दिया होगा, आप ध्यान नहीं रखेंगे किसने मांगा था क्या दिया था, आपके लिए कोई मतलब नहीं बनता उस बात का।
ऐसे ही जब हम भगवान से मांगते हैं, किसी भी देव से मांगते हैं, तो वो हमें ऐसे देखता और कहता चल आगे चला जाए। इसलिए मांगिए मत। आप प्रभु का नाम जपिए, उनके सामने जाकर मैं सत्य बताता हूं, भगवान देने पे विवश हो जाएंगे कि मैं इसको वो दूं जो इसके लिए बना है। अगर आपने कुछ भी मांग लिया, कूलर, फ्रिज, घर, गाड़ी, वो आपको दे देंगे, लेकिन ये कहेंगे चल आगे चल, मैं सच बता रहा हूं। तो आइए, जब ऐसी बात है तो फिर वही जपे जो उसको प्रिय लगता है। और एक बार बिना कोरस के आपकी आवाज आनी चाहिए, शाम 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 ए शाम 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 ती शाम 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 पा शाम 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 सा शाम 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 दो शाम 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 गया शाम 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 तेरा शाम 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 पंगा शाम 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 सत्ता ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ स्वामी नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ स्वामी नारायण नारायण हरि हरि भक्त प्रहलाद ने माँ कयाधु के पेट से यही सुनना शुरू किया, श्रीमन्नारायण नारायण। उन्होंने तो कोई भजन नहीं गाया, उन्होंने तो श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 करते रहे। एक सदे सब सद जाए। आपको माया का रूप बताता हूं मैं। जब भी मन कुछ प्रलोभन करे तो सोच लेना माया का प्रभाव आ गया, और आज आप अपने उस माया के प्रभाव को परखना। मैं फिर बता रहा हूं कि आज आप वो विशेष आराधना पूजा कर रहे हो जो इन्होंने किया, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए, जब भक्त प्रहलाद ने अपनी मां के पेट के अंदर सुनकर नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, तो आज हम उसी प्रभु को मनाने के लिए बैठे हैं। ओ शाम 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 श्याम मुरली में क्या कहते हैं? राधे राधे। क्या कहते हैं? राधे राधे। जब मेरे कन्हैया अपनी मुरली के अंदर 24 घंटे राधे का नाम जप सकते हैं, उनको भी पता है कि नाम लेने से ही मेरा पार होगा, तो उठाकर सीधे हाथ और मिलकर कहना क्या
म्यूजिक की ज्यादा आ रही है, 18 पे किसी की बनेगी कि वो सीधा हाथ खड़ा करके ओम बोल दे। आइए, ये अच्छा लगा बांसुरी। आपसे मिलने भी आऊंगा, देखो कितने नजदीक है। आज जितना चाहे उतना निहार लो,
जितना चाहे उतना पुकार लो और जितना चाहे उतना सुना लो। बोल खाटू नरेश चूहा कैसे हो सकते जो थोड़ी देर परेशान हो, क्योंकि उपचार हो रहा है आज। क्या हो रहा है? उपचार हो रहा है आज। अगर कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाए, डॉक्टर कहे कि आज तो करना पड़ेगी सफाई, तो भैया सफाई तो करवानी पड़ेगी लेकिन मुसीबत बड़ी पड़ेगी, है ना। हो सकता है थोड़ा आपको लगे कि है हम तो कूद ही ना रहे, हम तो नाच ही ना रहे, है ना। वो वाला भजन काला काला करे गुजरी, क्यों काले हो रहे हो और क्यों गुजरी को खराब कर रहे हो। मैं भजनों के विरुद्ध नहीं हूं, आपको भजन समझना पड़ेगा। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना, अरे किसी ने कहा है तो क्यों कहा है, हमने सब कुछ ही तो छोड़ दिया। स्वाद के अंदर ज्यादा चले गए, स्वाद में स्वाद में स्वाद में, और वो स्वाद के लिए कौन भटकाता है? सिर्फ मन भटकाता है। आज उस मन को मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप ज्यादा नहीं एक डेढ़ बजे तक जो पूरा बैठा रहेगा ना, वैसे तो जाने नहीं देंगे, ताला लगा दिया है, पर एक डेढ़ बजे तक जो बैठा रहेगा वो आज अपने मन को साध कर जाएगा, 100% साध कर जाएगा, 100%। और ऐसा नहीं कि हमने कोई दिमाग लगाया हो, इस संस्था ने दिमाग लगाया हो, दिमाग ये जो संगठन जोड़ा है, आप सभी संस्था के सदस्य जितने बैठे हैं यहाँ पर, ये आप लोग की आत्मा कहीं ना कहीं इस कीर्तन को ढूंढ रही थी, इसलिए आप यहाँ पर आए हो, इसलिए यहाँ पर आए हो। तो आइए एक बार पुनः, अब आप मुस्कुराकर ज्यादा बोलिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, इसलिए अब जैसी विधि आपके लिए बन गई यार, आपको वैसी विधि में ही रहना पड़ेगा। और ये मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आए तो लक्ष्मी भी उसके अंदर घर के अंदर वास करने के लिए मजबूर हो जाती, इसलिए जीवन का एक तरीका है जितना मुस्कुराकर जी सको ताकि आपका खुद का आज्ञा चक्र संभला रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जो 24 घंटे मुरझाए रहते हैं, उनको माइग्रेन की पावर प्रॉब्लम या कोई भी इसका आज्ञा चक्र जो है जहाँ तिलक लगाया जाता है वो उनका डगमगा जाता है। आप अपनी बार मुस्कुराकर शाम शाम बोलना, देखना आपको आज्ञा चक्र ऊपर उठा हुआ महसूस होगा। उठाकर सीधे हाथ बोल साचे दरबार की, अरे शाम 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 sham 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 sham
sam 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 कोई बुजुर्ग हमारा मरणावस्था के अंदर हो, बड़े से बड़े ज्ञानी से ज्ञानी लोग शोभा, किसी को भी शोभा नहीं देता है ना। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब आप ये सोचते हैं कि अंत समय के अंदर भी प्रभु का नाम लेना चाहिए, तो फिर अंत समय की बात ही क्यों करें, जीते जी नाम क्यों ना लें, है ना। अरे शाम 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 sham 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 राम नाम सुखदारी भजन करो भाई ये जीवन को दिया हरे राम नाम सुखदारी भजन करो भाई ये मिला को दिया अब ऐसे ऐसे भजन सुनते रहो, पूरा भजन सुन ले, लेकिन राम नाम कोई ना जपे। कि प्रभु का नाम जपो, भजन कह रहा है कि प्रभु का नाम जपो। आप कहते बाबी बड़ा सुंदर भजन है, उसके अंदर और अन्य बातें आती है, ज्ञान देने वाली बात है, लेकिन हमारा ज्ञान से बनना कुछ नहीं, हमारा तो नाम लेने से बनना है। शम 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 हे शम 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 ती शम 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 पा शम 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 सा शम 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 नो शम 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 हे क्या बात लिंक हो रही, जो पुरुषों ने कहा, जो ग्रंथों ने कहा, जो प्रभु भोले बाबा ने कहा, हनुमान जी ने कहा, हम कोई नई बात नहीं बता रहे, हम भी वही बता रहे हैं कि अगर कीर्तन ही करनी है, तपस्या नहीं करनी, तो फिर कीर्तन ही करो ना। कीर्तन है प्रभु का नाम। आइए एक बार बिना म्यूजिक के आपकी तालियों के साथ हम जप से। देखिए तीन तरह के जाप, एक होता है उपांशु और एक होता है आपका मानसिक। हम अभी वाचिक कर रहे हैं, हम उपांशु भी करेंगे और उसके बाद हम स्मरण पे जाएंगे। स्मरण क्या है, सिर्फ तीन स्टेज हैं आज ये जो, इसको आप सत्संग कह लीजिए, कीर्तन कह लीजिए, जागरण कह लीजिए, आप इसको क्लास भी कह सकते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ सभी बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, भोले बाबा ने माँ गोरा को अमर कथा सुनाई, हाजी अमर कथा सुनाई, एक दिन में सुना दी होगी शायद, सोच रहे हैं, एक साल में सुना दी होगी, एक कल्प में सुना दी होगी, राम कथा तो पूरी हुई होगी, उसके बाद का रोजाना वो रामायण ही सुना रहे हैं, रामचंद्र ही सुना रहे हैं गोरा भैया, नहीं, 33,000
रामायण पढ़ने के बाद, सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भोले बाबा ने कहा कि अगर इसका निचोड़ है, पेड़ लगा दिया, सारे फल आ गए, जब निचोड़ा तो वो जो रस है वो है प्रभु का नाम। खुद तो बैठ ही जाते, गौरव मैया को भी कहते थे कि यही नाम जपते रहे, ये नाम ही जपते रहे। और यही गोपिकाओं ने भी कहा, गोपिकाओं ने कहा क्या कहा कि हमारे पास तो दिया जोड़ने का टाइम ही नहीं है, अगर आज मैं दिया जोड़ू तो फिर उसको मांझना भी पड़ेगा, पानी भी लाना पड़ेगा, इतना समय है ही कहां, यहां दम दम पे होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। दम दम पे यानी कि हर सांस के साथ, हर सांस के साथ प्रभु का नाम निकल रहा है। उदो तुम कैसी बात करते हो, तुम तत्व की बात करते हो, हमें तो कृष्ण कृष्ण कहने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर मैं रो रही हूं तो कृष्ण निकल रहा है, और मैं कभी उस बांसुरी वाले की किसी मोहक अदा पे प्रसन्न हूं तो भी कृष्ण निकल रहा है। क्या कहना, क्या सुनना। और मैं सच बताता हूं, जब आप नाम जपेंगे ना तो आप सोच लेना, जिस प्रकार दूध को संपूर्ण भोजन कहा गया है, उसी प्रकार नाम जप को संपूर्ण भजन कहा गया, संपूर्ण भजन। शायद कहीं ना कहीं हमारी पद्धति गलत होती जा रही है, और मैं संस्था का फिर आभारी हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत मंगल कामना करता हूं कि ये जो संस्था ने बीड़ा उठाया है, अरे हिम्मत नहीं है उठाने की, मैं सच बताता हूं,